सब्सिडी यानी कि आर्थिक मदद सबको चाहिए और इसीलिए सरकार बजट में देती है सबको सब्सिडी, और सब्सिडी के अमाउंट पर आपको पैनी नज़र रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कितनी ज़्यादा सब्सिडी दे रही है, कम दे रही है, इस पर बजट का आकलन किया जाता है। बाजार ये चाहता है कि सरकार कम से कम सब्सिडी दे ताकि सरकार के खजाने पर बोझ कम पड़े, लेकिन जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं या कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, आइटम्स हैं जिन्हें वाकई में सस्ता देने की ज़रूरत है, वहाँ पर सरकार सब्सिडी देती है। मसलन फर्टिलाइज़र पर, केरोसिन या LPG पर गरीब तबके के लोगों को, खाने पीने की चीज़ों पर कई जगह सब्सिडी दी जाती है और कई जगह ब्याज पर सब्सिडी दी जाती है। तो ये जो सब्सिडी के आंकड़े हैं ये बड़ा असर डालते हैं सरकार की बैलेंस शीट पर, और इसके दम पर अंदाज़ा लगाया जाता है कि सरकार अपने वित्तीय घाटे के लक्ष्य को पूरा तो कर लेगी ना, उससे ज़्यादा तो नहीं होगा। इसलिए जब आप बजट देखें तो इस पर ज़रूर नज़र रखें कि सब्सिडी कहाँ और कितनी दी जा रही है।